गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन. ओके, सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक. होम्योपैथी इज अ स्पेशलाइज सिस्टम ऑफ थेरापिटिक्स डेवलप्ड बाय द डॉक्टर सैमुअल क्रिश्चियन फ्रेडरिच हानहेमन. ठीक है, ये एक जर्मन फिजिशियन थे, केमिस्ट थे और फार्मासिस्ट थे. कौन? डॉक्टर सैमुअल क्रिश्चियन फ्रेडरिच हानहेमन. ठीक है, डॉक्टर हानहेमन भी बोल सकते हो आप इनको, जिन्होंने हमारे को ये दिया एक स्पेशलाइज सिस्टम ऑफ थेरापिटिक्स होम्योपैथी. एज यू ऑल वेल अवेयर अबाउट दिस टर्म होम्योपैथी, लाइक व्हाट होम्योपैथी इज बेसिकली. इसमें क्या होता है कि अगर आपकी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, सबको पता होगा इसके बारे में कि होम्योपैथिक मेडिसिन अगर कोई डिजीज्ड पर्सन है उसको तो वो ट्रीट करता ही करता है, साथ में अगर कोई नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग है अगर वो भी उसी मेडिसिन को ले जो कि एक डिजीज पर्सन ले रहा है तो उसका कोई प्रॉपर साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है बॉडी पे. ठीक है, दैट इज़ द बेसिक एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम ऑफ मेडिसिन. ठीक है, ये एक जर्मन फिजिशियन थे जिन्होंने ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन दिया. इट इज़ बेस्ड ऑन नेचुरल लॉ ऑफ हीलिंग. इसमें नेचुरल लॉ ऑफ हीलिंग पे ये बेस्ड होता है, जैसे कि सिमिलिया सिमिलिबस क्योरेंटर, विच मीन्स लाइक्स आर क्योर्ड बाय लाइक्स. मतलब लाइक्स के थ्रू ही लाइक्स को क्योर किया जाता है. मतलब आगे आप पढ़ेंगे इसका मतलब क्या है. होमोइज मीन्स द सिमिलर एंड पैथोज मीन्स द ट्रीटमेंट. मतलब एक ही जैसी डिजीज़ पर्सन, एक ही दवाई डिजीज़ पर्सन को भी और हेल्दी पर्सन को ट्रीट कर रही है, इसका मतलब है ये. ठीक है, दस होम्योपैथी इज़ अ सिस्टम ऑफ ट्रीटिंग डिजीजेज और सफरिंग बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स विच पोजेस पावर ऑफ प्रोड्यूसिंग सिमिलर सफरिंग्स इन हेल्दी ह्यूमन बींग्स. ठीक है, होम्योपैथी एक ऐसा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जिसमें हम डिजीजेज को ट्रीट करते हैं जो कि सफरिंग भी होगा पर्सन बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, और जो पोजेस होती है इसकी, मतलब जो पावर ऑफ पोजेसिंग पावर है होम्योपैथी की, वो है सिमिलर सफरिंग्स प्रोड्यूस करेगी डिजीज़ में भी और हेल्दी ह्यूमन बीइंग में. मतलब डिजीज पर्सन में भी और हेल्दी ह्यूमन बीइंग में सिमिलर आपके प्रोड्यूस करेगी पोजेसिंग पावर. डॉक्टर हानहेमन बिलीव दैट सिम्टम्स आर नो मोर देन एन आउटवर्ड रिफ्लेक्शन ऑफ द बॉडीज इनर फाइट टू ओवरकम इलनेस. डॉक्टर हानहेमन ने बताया या वो बिलीव करते थे इस बात में कि जो सिम्टम्स हैं वो मोर देन एन आउटवर्ड रिफ्लेक्शन है बॉडीज़ के इनर फाइट के. मतलब जो भी आपके सिम्टम्स होते हैं डिजीज़ के जो कि शो हो रहे हैं बॉडी के थ्रू, वो किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं? बॉडी के जो अंदर से आपकी कितनी क्षमता है फाइट करने की बॉडी के अगेंस्ट डिजीजेस. ठीक है, या बॉडी के अंदर क्या चल रहा है आपके, आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, कौन सा स्ट्रेस है, उसके बेस पे आपका डिपेंड करता है कि आपको क्या डिजीज़ है. ठीक है, उनका मानना ये था कि अगर आप अंदर से स्ट्रांग हैं तो यू आर परफेक्टली हेल्दी पर्सन. सो नॉट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द इलनेस इट्सेल्फ. ठीक है, जो चीज़ मैंने आपको समझाई इसका मतलब है कि दिस लॉ ऑफ सिमिलर फॉर क्यूरिंग डिजीजेज हैज़ बीन इन यूज सिंस द टाइम ऑफ हिप्पोक्रेट्स. ये जो लॉ ऑफ सिमिलर, मतलब एक ही चीज़ से दोनों जोड़कों को ठीक करना, मतलब जो डिजीज पर्सन है वो तो ट्रीट होगा ही और जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन है उसे कोई डिजीज़ नहीं होगी. ठीक है, तो ये जो लॉ है सिमिलर से सिमिलर को क्योर करना हैज़ बीन इन यूज़ हिप्पोक्रेट्स के टाइम से, ये यूज़ है, यूज़ में था जबकि वो फादर ऑफ मेडिसिन थे, जो उन्हीं के टाइम से ये यूज़ में था. ठीक है, बट इट वॉज डॉक्टर हानहेमन हु डेवलप्ड इट इनटू अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ थेरापिटिक्स. पर जो डॉक्टर हानहेमन थे उन्होंने इसे कंप्लीट सिस्टम ऑफ मेडिसिन के रूप में सामने लाया. सो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं होम्योपैथी के? होम्योपैथी इज़ अ साइंस, मेडिकल ट्रीटमेंट हैज़ अ फिलोसफी ऑफ इट्स ओन एंड इट्स थेरापिटिक्स इज बेस्ड ऑन सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दैट आर क्वाइट डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अदर स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस. इसके जो सिम्टम्स या सिस्टम ऑफ मेडिसिन के जो थेरापिटिक्स के तरीके हैं वो एक तरीके से बहुत अलग हैं. ठीक है, जिसकी वजह से ये इसको एक डिस्टिंक्ट और यूनिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन बनाते हैं. दीज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वर डिस्कस्ड बाय हानहेमन इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ हिज मेडिसिन एंड फिलॉसफी. हानहेमन ने अपनी मेडिसिन और फिलॉसफी में जो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसको डिवाइड करा था, जैसे कि फर्स्ट इज़ लॉ ऑफ सिमिलिया, सेकेंड लॉ ऑफ सिम्प्लेक्स, थर्ड इज़ लॉ ऑफ मिनिमम, फोर्थ इज़ ड्रग प्रूविंग, फिफ्थ इज़ ड्रग डायनामाइजेशन और पोटेंशिएशन, नेक्स्ट इज़ वाइटल फोर्स, नेक्स्ट अक्यूट एंड क्रोनिक डिजीजेज, नेक्स्ट इंडिविजुअलाइजेशन एंड डायरेक्शन ऑफ क्योर. दीज आर द नाइन
ठीक है, सेक्शंस जिसमें कि हाने मन ने अपनी फिलॉसफी को डिवाइड किया था। सो इसको आप कैसे याद रखेंगे, सीरीज़ में याद रखने के लिए आपको ये सिंबलाइजेशन मैंने करे हैं यहाँ पे, उससे आप याद रख सकते हो, जैसे कि SSMDPDDNDPVF ACDIDC। ठीक है, ये आप जिस तरीके से भी आप राइम्स की फॉर्म में आप याद कर सकते हैं, जिससे कि आपको याद रहे इन द सीरीज़ ऑफ 9 फिलोसफिकल सिम्टम्स सेक्शंस। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद दिस, फर्स्ट इज़ द लॉ ऑफ सिमेलिया, द थेरापेटिक लॉ ऑन विच होम्योपैथी इज़ बेस्ड। ये एक फर्स्ट लॉ है जिस पर होम्योपैथिक बेस है, दर इज सिमेलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, विच मीन्स लेट लाइक्स बी क्योर्ड बाय लाइक्स। इन दिस आर्ट ऑफ हीलिंग द मेडिसिन एडमिनिस्टर्ड टू अ डिजीज्ड इंडिविजुअल इज सच दैट इफ गिवन टू अ हेल्दी पर्सन इट प्रोड्यूस द सेम सफरिंग्स एज फाउंड इन द डिजीज्ड इंडिविजुअल्स। मतलब कि एक ही मेडिसिन को अगर डिजीज़ को भी, डिजीज्ड इंडिविजुअल को और हेल्दी इंडिविजुअल को देंगे तो वो सेम सफरिंग्स ही प्रोड्यूस करेंगे। दस द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज इंडिविजुअल आर टू बी मैच विद द पैथोजेनेसिस ऑफ द मेडिसिन एंड द मेडिसिन विच मोस्ट सिमिलर विद सिमिलिवन इज सिलेक्टेड एंड एडमिनिस्टर्ड विद सर्टेनिटी टू क्योर। मतलब हम एक जो मेडिसिन बनाते हैं एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए, वो उसकी मेडिसिन और इंटरनल जो उसकी पावर है फाइट करने की अगेंस्ट डिजीजेज, उसके बेस पे बनाते हैं। नेक्स्ट इज़ द लॉ ऑफ सिंप्लेक्स। ठीक है, सिंपल एंड सिंगल ड्रग शुड बी प्रेस्क्राइब्ड एट अ टाइम। मतलब सिंप्लेक्स का मतलब है सिंपल ड्रग्स को हम शुरू करते हैं, मतलब जब भी आपका होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन स्टार्ट होता है तो सिंपल ड्रग्स से स्टार्ट होता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही उस मेडिसिन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द लॉ ऑफ मिनिमम, ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड इन अ मिनिमम क्वांटिटी बिकॉज ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी इन डिजीज़। समटाइम्स क्या होता है, आप किसी डिजीज पर्सन को आप कोई मेडिसिन देते हैं होम्योपैथी, अगर आप हाई क्वांटिटी में देंगे तो मे बी वो हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, क्योंकि कई बार कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जिससे कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो जाती हैं, तो इसीलिए मिनिमम क्वांटिटी में सबसे पहले ड्रग दी जाती है। एंड द एक्शन ऑफ द ड्रग इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स नॉर्मल बाय वर्च्यू ऑफ ऑल्टर्ड रिसेप्टिविटी ऑफ टिश्यू टू स्टिमुलाई इन द डिजीज़। और जो इसका ड्रग जो होगी जो आप एडमिनिस्टर करेंगे वो उस तरीके से नॉर्मल देखा जाएगा जो कि ऑल्टर्ड रिसेप्टिविटी होती है टिश्यू की टू द स्टिमुली ऑफ डिजीज़। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द ड्रग प्रूविंग, टू अप्लाई ड्रग्स फॉर थेरापेटिक पर्पज़ देयर क्यूरेटिव पावर शुड बी नोन। ठीक है, ड्रग प्रूविंग का मतलब है ड्रग्स को अप्लाई करने के लिए थेरापेटिक पर्पज़ के लिए उनके क्यूरेटिव पावर हमेशा पता होनी चाहिए कि वो किस तरीके से और किस दिशा में क्योर करेंगी डिजीज़ को। द क्यूरेटिव पावर ऑफ अ ड्रग इज़ इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस डिजीज सिम्टम्स व्हेन एम्प्लॉयड ऑन अ हेल्दी पर्सन। ठीक है, जो क्यूरेटिव पावर है उस ड्रग की वो एबिलिटी होती है जो कि प्रोड्यूस करता है डिजीज्ड सिम्टम्स व्हेन एम्प्लॉयड ऑन अ हेल्दी पर्सन। ठीक है, मतलब डिजीज़ से रिलेटेड जो सिम्टम्स होंगे वो हेल्दी पर्सन में भी दिखाई देंगे, अगर आप ड्रग प्रूविंग देखना चाहते हैं, क्यूरेटिव पावर उसकी देखना चाहते हैं तो। मतलब जैसे अगर क्यूरेटिव पावर हमने किसी ड्रग की देखनी है तो ठीक है, तो ड्रग प्रूविंग मतलब उसकी क्यूरेटिव पावर पता होनी चाहिए जब आप डिजीज पर्सन पे भी दे रहे हैं और हेल्दी पर्सन पे भी दे रहे हैं, कि कई उस हेल्दी पर्सन पे आपके क्या डिजीज सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं और क्या नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो क्यूरेटिव पावर इज बेस्ड ऑन द पैथोजेनेसिस। ठीक है, पैथोजेनेसिस क्या है, क्यूरेटिव पावर सिंगली कितनी दे रहे हैं हेल्दी ह्यूमन बींग को, कितनी दे रहे हैं और कितनी होनी चाहिए और कैसे उसके सिम्टम्स शो हो रहे हैं, ये सब बेस करता है। नेक्स्ट इज ड्रग डायनामाइजेशन एंड पोटेंशियलाइजेशन। इसमें क्या है आपका, डिजीज़ इज अ डिस्टर्बेंस और डेविएशन इन द नॉर्मल हारमोनियस फ्लो ऑफ लाइफ फोर्स। डिजीज़ क्या है, एक सिंपली नॉर्मली आप लाइफ को लीड कर रहे हो उसमें कोई भी ड्रॉबैक आ जाती है या फिर कोई भी एब्सेंसी आ जाती है या फिर कोई भी डिजीज़ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो उसको हम डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, तो नाउ मेडिसिन यूज टू एनकाउंटर डिजीज शुड ऑल्सो हैव डायनामिक एक्शन टू एक्ट ऑन द डायनामिक डिस्टर्बेंस ऑफ लाइफ फोर्स। ठीक है, देयरफॉर द ड्रग्स आर डायनामाइज्ड एंड पोटेंशियलाइज्ड लिबरेटिंग देयर डायनामिक क्यूरेटिव पावर व्हिच लाइज डोरमेंट इन देम।
ठीक है, डायनामाइजेशन इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ ट्राइचुरेशन इन केस ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस और सक्सेशन इन केस ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेस। इनमें क्या है, अकॉर्डिंग टू द पोटेंसी ऑफ द ड्रग हम ड्रग की डायनामाइजेशन देखेंगे कि डिस्टर्बेंस क्या है लाइफ में, ठीक है, डिस्टर्बेंस के बेस पे हम उसकी पोटेंशियलाइजेशन देखेंगे, लाइक ड्रग पावर, क्यूरेटिव पावर क्या है। हम लॉ ऑफ मिनिमम से स्टार्ट करके ड्रग प्रूविंग देखेंगे कि क्यूरेटिव पावर कितनी है, कितना जो भी डिजीज़ पेशेंट है उस पर कितने पावर की मेडिसिन चल जाएगी, ठीक है, और आगे उसका क्या डायनामाइजेशन है, डायनामिक एक्शन क्या है, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रही उसकी वजह से बॉडी में, ये सब चीज़ें चेक करके हम क्यूरेटिव पावर उसकी देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमें किस तरीके से मेडिसिन उसको देनी चाहिए, लाइक फ्रॉम द ट्राइचुरेशन, ट्राइचुरेशन मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को हम इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स प्रोवाइड करते हैं और सक्सेशन इन द फॉर्म ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है। अब उसमें पोटेंसीज क्या क्या होती हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसकी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है कि ड्रग डायनामाइजेशन और ड्रग पोटेंशियलाइजेशन का क्या मतलब है कि जैसे जैसे ड्रग की पावर बढ़ेगी ऐसे ऐसे आपकी बॉडी पर कोई रिएक्शन नहीं आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज वाइटल फोर्स, डिजीज इज नथिंग बट द डिसहारमोनियस फ्लो ऑफ वाइटल फोर्स, ठीक है, गिविंग राइज टू एबनॉर्मल सेंसेशन एंड फंक्शंस। डिसहारमोनियस फ्लो ऑफ वाइटल फोर्स होता है जो कि एबनॉर्मल फंक्शंस प्रोड्यूस करता है, सिम्टम्स और साइंस प्रोड्यूस करता है। तो वाइटल फोर्स क्या होता है, बेसिकली स्पिरिचुअल ऑटोक्रेटिक ऑटोमेटिक डायनामिक अन इंटेलिजेंट एंड इंस्टिंक्टिव होता है, ठीक है। डिजीज और हेल्थ दो डिफरेंट क्वान्टिटेटिव स्टेट्स है जो कि वाइटल फोर्स पे डिपेंड करती है। वाइटल फोर्स क्या है, हमारे जीने का तरीका, ठीक है, लाइफस्टाइल क्या है उसके बेस पे भी हमारा डिपेंड करता है हमारा डिजीज़ और क्या है, ठीक है, ये सारे पैरामीटर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं हमारी हेल्दी बॉडी को। एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीजेस, द डिजीजेस आर क्लासिफाइड इनटू दीज टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर ऑनसेट, नेचर ऑफ प्रोग्रेस एंड टर्मिनेशन ऑफ डिजीजेस, ठीक है। डिजीजेस दो तरीके से डिवाइड होती है दो पार्ट में, फर्स्ट इज ऑनसेट, नेक्स्ट इज नेचर ऑफ प्रोग्रेस एंड नेक्स्ट इज टर्मिनेशन ऑफ डिजीजेस। नेक्स्ट इंडिविजुअलाइजेशन, नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक इन द वर्ल्ड, कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं हो सकते पूरी दुनिया में। सो द डिजीजेज अफेक्टिंग इंडिविजुअल्स कैन नेवर बी द सेम, एज्यूमिंग द यूनिक इंडिविजुअल पिक्चर इन ईच डिजीज इंडिविजुअल। किसी एक इंसान में अगर कोई सिम्टम दिखाई दे रहा है कि वो इस चीज़ से ठीक हो गया तो हम इसकी डोज बढ़ा सकते हैं, दूसरा इससे ठीक हो जाएगा, इस बेस पे हम अपनी मेडिसिन या सिस्टम ऑफ मेडिसिन को नहीं जस्टिफाई कर सकते कि क्योंकि हर इंडिविजुअल बॉडी अलग होती है, हर किसी पे एक सफरिंग अलग अलग होता है, ठीक है, रिस्पॉन्स अलग होता है। नेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ क्योर, क्योर टेक्स प्लेस विच आउटपुट फ्रॉम अबव टू डाउनवर्ड एंड द सिम्टम्स डिसअपीयर्स इन द रिवर्स ऑफ देयर अपीयरेंस, ठीक है, जैसे जैसे सिम्टम्स आए हैं वैसे वैसे वो रिवर्स होते जाएंगे, उसी को बोलेंगे हम डायरेक्शन ऑफ क्योर। मतलब जैसे जैसे हमने पहले सिम्टम डिजीज से उसको हेल्दी कराया, हेल्दी से डिजीज की तरफ जाने चाहिए सिम्टम्स, दिस इज द बेसिक सिम्टम क्योर, ठीक है, सिम्टम और सिस्टम ऑफ क्योरिंग। नेक्स्ट, these 9 points are the basic 9 points of homeopathy which should be very much clear, I think so. In the next lecture we are going to discuss about Chinese system of medicine. Thank you. If you still have any doubt you can ask in Google Classroom.